हाँ जी, तो अगर आप लोग BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि BHU की कट ऑफ के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उसी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कट ऑफ देखने से पहले, आप लोग उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देख लेना कि कौन कौन से डोमेन वगैरह आप लोग को रिक्वायर रहेंगे, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कि, उसके बाद आप लोग को देखने में समझ आएगा कि किस कोर्स की कट ऑफ किस हिसाब से गई है एंड आप लोग को कौन कौन से डोमेन एंड जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज मांगी है या फिर नहीं। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हो, ये BHU की फर्स्ट कट ऑफ है जो कि ओपनिंग कट ऑफ थी। एंड अगर हम लोग बात करें तो जो BHU की कट ऑफ रहेगी सेम इस बार भी ऐसा ही आप लोग को देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर भी बहुत हाई थी एंड इस ईयर भी आप लोग को देखने को मिलेगी। लाइक अगर हम लोग बात करें BCOM में, आप लोग देख सकते हो 600 कट ऑफ गई है, 612। एंड आप लोग BCOM में देख सकते हो जो कट ऑफ गई है वह 612 गई है। एंड अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल तीन जो मेन रिक्वायरमेंट थे तीनों के हो गए आपके 600 मार्क्स, एंड जो लैंग्वेज थी उसके जस्ट 100 मार्क्स ही ऐड हुए थे। तो टोटल 700 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो 612 गई थी, जो BHU की पहली कट ऑफ थी। एंड जितने भी कोर्सेज BHU में होते हैं लाइक BA LLB की भी देख सकते हो 534, फिर BSc एग्रीकल्चर, फिर BA सोशल साइंस, BA शास्त्री ऑनर्स, BA आर्ट्स, एंड जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है BHU की, BSc ऑनर्स, मैथ ग्रुप, जितने भी कट ऑफ है सारे आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये ओपनिंग कट ऑफ है। एंड अगर हम लोग लास्ट कट ऑफ की बात करें तो अराउंड आप लोग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी, OBC, ST, ST कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोग मिनिमम 50 मार्क्स इसमें कम करके चल सकते हो कि जो कट ऑफ गिरती है वो ज़्यादा नहीं गिरती है। लाइक अगर हम लोग फर्स्ट राउंड में बात करें तो जो BHU की सेकेंड कट ऑफ आई थी उसमें लगभग 10-15 मार्क्स इससे कम थे। फिर थर्ड कट ऑफ आई थी जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें भी 10-15 मार्क्स ही कम रहते हैं। तो अगर इससे आपके 50 मार्क्स भी कम हैं तो 50 मार्क्स तक आप लोग चल सकते हो कि आप लोग के BHU में चांसेस है कि एडमिशन हो जाए। एंड BHU में पेड सीट वगैरह भी होती है तो उससे भी आपके चांसेस रहेंगे कि BHU में एडमिशन हो जाए। बट अगर उससे भी ज़्यादा आपके अगर कम हो रहे हैं देन फिर आप लोग BHU की काउंसलिंग वगैरह में आपकी फीस ही बर्बाद होगी, क्योंकि आप लोग के जो एडमिशन होंगे वो होने नहीं वाले, क्योंकि BHU में आप लोग को बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो BHU में सीट अवेलेबल है वो बहुत कम है। वाइल DU में बात करें तो 70K सीट है और BHU में बहुत कम सीट है। डेट्स वाई आप लोग किसी और दूसरे यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग कराओगे तो आप लोग को फीस भी पे करनी होती है। तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छा लगे उसमें आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। एंड ये जो कट ऑफ है ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड BHU के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।